तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज तो मैं बहुत ही दुख हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है, काफ़ी दिन हो गया, मैं काफ़ी साल हो गया है। तो मेरा 2021 को आया गुवाहाटी में, कम से कम मेरा 3 साल हो गया है तो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा है। लेकिन ये तो फ़ोन एक बार क्या हुआ था, ऐसे हंसी मजाक जया के साथ झगड़ा करने के बाद मेरी तो फ़ोन तो टूट गया। हाँ, जया तो पूरा टूटा दिया, मेरा फ़ोन इधर उधर हो गया और ऊपर से डिस्प्ले भी गया। डिस्प्ले जाने के बाद लगाया, इसमें ओरिजिनल बोला 3600 बोलता है, मैं पासकॉपी लगाया 2000 का ऐसा कुछ आसपास था। ऊपर से वो लगाने के बाद और एक बार हो गया, अभी तो क्या है कुछ भी थास नहीं होता है। और ये लगाने से तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन बाद में डिस्प्ले और ख़राब हो जाएगा। वही मैं सोच रहा है नया फ़ोन खरीदूँ क्या, लेकिन अभी तो मैं जॉब भी नहीं कर रहा है दोस्तों। 1 महीना हो गया मैं बैठा ही रूम पे, और ब्लॉग बनाने के लिए कहीं जाए, कहीं भी जाने के लिए भी वो नहीं है, क्या करे समझ नहीं आ रहा, एकदम धूप की बात। इधर तो बारिश दे रहा है गुवाहाटी में, आज पता नहीं काफ़ी दिन हो गया धूप ही दे रहा है, आज तो बारिश ही दे रहा है, इसलिए तो और आवाज़ तो डिस्टर्ब कर रहा है। मैं इधर शूट कर रही हूँ इधर टेबल में बिठा के, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए अच्छा जगह। और हम लोग, मैं सोचा आज कुछ बातें शेयर करूँ, क्योंकि फैमिली आज जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है सब मेरा ही फैमिली है, मैं फैमिली मानता हूँ, इसलिए कुछ बातें शेयर करने का मन कर रहा है आप लोगों से। तो मैं रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जितना हो सके स्किप मत करना, स्टार्टिंग से देखना। देखो, कोई लोग तो इनकम भी नहीं करता दोस्तों, इसे माँ पापा का पैसा इसे उड़ा रहा है ना कोई लोग, क्योंकि हम लोग तो इतना दूर से, गांव से दूर से आके, देखो मिजोरम से माँ पापा फैमिली दादा भाई सब लोग सो के हम लोग इधर रूम रेंट में हैं, ऊपर से इधर पैसा कमाने के लिए है। और अभी 1 महीना काम नहीं करेगा तो रूम रेंट कहाँ से देगा, कहाँ खाएगा, बहुत टेंशन होता है दोस्तों। और ऊपर से फ़ोन भी ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि सॉरी आईफोन होने से भी एक बैकअप के लिए एक तो एंड्रॉयड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा एंड्रॉयड तो कुछ काम नहीं दे रहा है, टेस्ट ये भी पूरा टूट गया। सोच रहा है मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदेगा, पूरा कम्फर्टेबल है एकदम, 6000 मिलने से 7000 का अंदर, 7000 होने से भी चलेगा, 6-7 बाईसा कुछ, क्योंकि खाली बैकअप के लिए फ़ोन, बातचीत करने के लिए, ऑनलाइन वगैरह जैसे रहने के लिए। आईफोन में तो खाली ब्लॉग, एडिट, थंबनेल वगैरह सब लगाना पड़ेगा। हाँ, इतना बारिश में भी पसीना रहा है, देखो हम लोग का क्या हुआ था, फ़ैन तो एक तो ज़्यादा ही आवाज़ देगा अभी फ़ैन चलाएगा तो। तो मैं सोच रहा हूँ एक तो फ़ोन खरीदेगा, अभी ऑनलाइन में ऑर्डर दिया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, और डायरेक्ट जीपे करने से उसमें भी अकाउंट में पैसा नहीं है, अभी जीपे कर नहीं सकता, और डर भी लगता है इतना। और 1-2 हज़ार का फ़ोन नहीं है, 7000-8000 दे के, और ऐसा फ्लिपकार्ट में कुछ गड़बड़ होने से कहाँ मिलेगा हम लोगों का पैसा, हम लोग तो गरीब का फैमिली से बिलोंग करता है ना, ऐसा बहुत मतलब सोचना पड़ता है दोस्तों। कदम बढ़ाया तो सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए, मैं तो बहुत सोचती हूँ, अभी 1 महीने काम नहीं कर रही तो कैसे खाएगा। ऊपर से नेक्स्ट मंथ को 5 तारीख के अंदर रूम रेंट तो देना पड़ेगा, खाना पीना सब कुछ, हर टाइम फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम होता है, पता है मुझे, आप लोगों का भी बहुत प्रॉब्लम होता होगा जैसे मैं गुजर रहा हूँ। अभी तो घर जाने का भी मन है लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि जया तो BA पढ़ रहा है, उनका कंप्लीट होने के बाद हम लोग जाएगा दिसंबर को। और तो उस दिन क्या हुआ था, जया का एग्ज़ाम था, क्या हुआ था, जया का एग्ज़ाम था, मेरा आईफोन का केबल भी टूट गया था। और एक तो देख सकते हो दोस्तों, केबल इतना ख़राब हो गया, और एक केबल भी 1900-2000 ऐसा ही है। तो हम लोग जैसे भी वो पैसा जोड़ के जाया और मैं मिल के एक तो खरीदा, और ऊपर से अभी क्या बोलता है फ़ोन भी खराब है, एक तो भी खरीदना पड़ेगा,
क्या हुआ था उस दिन भी ब्लॉग बनाया लेकिन मैं एडिट नहीं किया, सीधा ही डिलीट दिया क्योंकि झगड़ा तोड़ा हुआ जया के साथ। क्यों ऐसा नहीं है ना, झगड़ा नहीं होगा करके, रूम मेट है तो झगड़ा तो होगा ही, थोड़ा थोड़ा होता ही है, लेकिन फिर भी जया नहीं होने से मैं इतना तक लेवल में भी पहुँच नहीं पाता क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में भी एक तो कैमरा अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, ब्लॉग बनाने से भी आवाज़ फटता है, ऊपर से ब्लर ब्लर देखता है कैमरा। उनका पहले पोको X3 प्रो से स्टार्ट किया मैं ब्लॉग, उन जया का फ़ोन से ही ब्लॉग बनाती हूँ। इसके लिए जितना जया को मैं तारीफ़ करूँ उतना ही कम है मेरे लिए, इसलिए कभी कभी तो झगड़ा होते रहता है। जितना भी झगड़ा होगा उतना प्यार बढ़ेगा दोस्त में, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बोलता। तो एक्सेस बोलेगा दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो जितना हो सके। आप लोग अच्छा लगे तो मेरा ब्लॉग देख लो। क्या है ना, आजकल तो व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, जितना भी व्यूज़ नहीं आता है ना दोस्तों, ब्लॉग बनाने के लिए पूरा मन भी नहीं करता है व्यूज़ नहीं आने से। खाली 100, 200, 300 से व्यूज़ से पूरा मन तो डिप्रेशन में जाता है, डाउन होते होते रहता है। आजकल क्या हुआ, ब्लॉग बनाने से भी पैसा लगता है क्योंकि कोई लोग तो बोलता है खाली कैमरा ऑन करो, ऐसा करो, ब्लॉग अपना अपने शूट हो जाएगा, एडिट करो, अपलोड दे दो। ब्लॉग बनाने से भी बहुत दिक्कत है क्योंकि प्लानिंग करना पड़ता है दोस्तों, कल क्या ब्लॉग बनाए, आज क्या ब्लॉग बनाए, क्या कंटेंट लाओ, मेरा सब्सक्राइबर लोग क्या पसंद करेगा, क्या क्या मतलब ऐसा सोचना पड़ता है दोस्तों। कल मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ वही सोच के पूरा एकदम पूरा डिप्रेशन में जाता। आजकल मैं ब्लॉग भी बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बनाए भी क्या बनाए, गुवाहाटी में ही है, घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वही है। और जितना भी कुकिंग ब्लॉग बनाऊँ ये तो सब बनाऊँ, ऊपर से आप लोगों को बोरिंग लगेगा वही सोच के मैं कुकिंग का वीडियो भी नहीं दिखाती हूँ, मैं हम लोग क्या 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 सब्जी खाता क्या क्या नहीं। लेकिन मैं इंस्टाग्राम में मैं कुकिंग का वो रील्स डालती हूँ, लेकिन आजकल क्या हुआ ब्लॉग में नहीं देता क्योंकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा ऐसा कुकिंग का वीडियो डेली खा रहा है, वही चीज डेली लाइव वही देखा रहा है, बार बार इसे बोलेगा व्यूज़ नहीं आएगा, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरा भी व्यूज़ नहीं आने से मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों जितना हो सके सपोर्ट करना और नया है तो सब्सक्राइब करना क्योंकि हम लोग मैं कम से कम 1 साल हो गया ब्लॉग बना रही हूँ, अभी तक बहुत कम है मेरा व्यूज़ भी कम है, अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। वही दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बोलने के लिए भी बहुत शर्म करता है, इसे मुझे सपोर्ट करो ऐसा ऐसा। आज क्या हुआ था, बारिश भी दे रहा है एकदम, किस किस को बातें शेयर करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे सोच के मैं पूरा सेटअप लगा के अच्छे से तो क्लीन वगैरह करके आप लोगों के साथ मैं बात कर पा रहा हूँ तो बोलने की शर्म लगता है, इसे मुझे सपोर्ट करो दोस्तों ऐसा ऐसा, जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट करना। तो जब मैं फ़ोन लेगा, जो भी फ़ोन लेगा, मैं आप लोगों को अपडेट करते ही रहेगा दोस्तों। गाइस मेरा जो सेटअप लगाया आज, ये सेटअप देख सकते हो, तो ट्राइपॉड रखा और ये तो मैं बातचीत किया, वीडियो बनाया था, ये देख सकते हो मेरा फ़ोन कुछ भी नहीं होता है, ऑन तो होता है, ये देख सकते हो 3/8 हुआ है, अभी 3/8 हुआ है। और यही है दोस्तों, शेयर करने का मन हुआ इसलिए शेयर किया, एक तो मेरा मन की बात, बहुत दिन हो गया मैं इसे ट्राई किया, शेयर करूँ ना करूँ शर्म भी लगता है क्योंकि क्या ही बोलूँ, क्योंकि दोस्तों कोई लोग इतना सपोर्ट करो इसे पूरा मांगता है ना, मैं उन्हीं को वीडियो भी देखता लेकिन फिर भी मुझे अजीब लगता है दूसरा से मांगना, ऐसा कभी कभार मांगना भी पड़ता है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आप लोग सपोर्ट करेगा तो मैं आगे जा पाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा इनकम भी नहीं है कुछ भी नहीं है, अभी ब्लॉग में थोड़ा फोकस कर रहा है अभी। तो दोस्तों जितना हो सके सपोर्ट करना, नया ही तो सब्सक्राइब करना। तो क्या ही बोलूँ, हम लोग मिज़ोरम से हैं, मैं मिज़ोरम का लड़की हूँ, चकमा सर्जुनी चकमा मेरा नाम, तो हम लोग गुवाहाटी में ही रहता है और रहेगा और दिसंबर तक रहेगा, देखते हैं और किधर जाता है, दिल्ली जाता है ना कहाँ, ना गांव में ही रहेगा नेक्स्ट ईयर से। देखो देखो दोस्तों फोन को देखो, ये सही रहता है, ये देखो कुछ अपने अपने ऑन होता है, कुछ अपने अपने प्लस लाइट, क्या रे सब
ये देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा है, ये देखो देखो ऐसा ही कुछ होता है, ये पूरा थूक गया है तू भी, ये तो ये तो खुद फ्लैश लाइट मारता है, खुद ऑन होता है, क्या यूट्यूब में गया देखो, और किस किस को कॉल नहीं करता वहाँ खाना ऑन हो गया देखो, कुछ भी नहीं किया साला, क्या क्या करता वो। तो गाइस प्लीज़ कमेंट देना मैं कौन सा फ़ोन लेगा, आप लोग 7000 का आसपास बजट देख लेना, तो आप लोगों का कमेंट दे के मैं भी फ़ोन चॉइस करेगा कौन सा फ़ोन लेगा करके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर पूरा शेयर कर देना दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा सा ब्लॉग में मिलेगा नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।